भिवानी में बीते मंगलवार से ग्रामीण डाक कर्मचारी कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट लागू करवाने, सातवा वेतन आयोग लागू करवाने एवं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे पूरा दिन लेन देन पूरी तरह से बाधित रहा। डाक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं धरने पर बैठे डाक कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में वे लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। मांगे हैं कि जो कमलेश चंद्रा कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट दी, डेढ़ साल हो गए लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक हमारी वह रिपोर्ट लागू नहीं करी है, जबकि सातवां वेतन आयोग सभी कर्मचारियों केंद्र व राज्य सरकार में भी दे दिया, लेकिन हमारे जो 1-3 लाख के लगभग ग्रामीण डाक कर्मचारी हों उनका नहीं दिया है, जबकि ये 1,47,000 डाकघर जो ग्रामीण इलाके में हैं 80% जनता की सेवा करते हैं चला रहे हैं। आज से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है सारे देश में, जिससे सभी 1,47,000 डाकखानों पर ताड़ा लटक गया है और डाक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। जब तक हमारी ये मांगे ये रिपोर्ट लागू नहीं होगी कमलेश चंद्रा की, तब तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी और हमारी ये लड़ाई आर पार की है। धन्यवाद। हमारी जो हड़ताल है इससे सारे देश में सारा डाक विभाग से जो संबंधित कार्य है सारा अस्त व्यस्त हो गया है, सभी जगह ताड़े लग गए हैं और 80% जनता बल्कि 90% जनता इससे प्रभावित हुई है। सभी काम जो लेन देन है जो सरकार दावा करी है कि मैं पेमेंट बैंक बना दिया, वो पेमेंट बैंक भी हमारे थ्रू चलता है, लेकिन आज सारे देश में सभी जगह सारा बैंक पेमेंट बैंक बंद पड़े हैं। जब हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के अलावा और भी कोई स्टेप उठाया गया? हड़ताल के बाद हम भूख हड़ताल भी करेंगे अगर सरकार नहीं मानी। वित्त मंत्रालय में हमारी रिपोर्ट पास हो चुकी है, कैबिनेट में जारी है, कैबिनेट में दो भिन्ने हो गए हमारी। डाक विभाग अधिकारी ने कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के बावजूद भी आम आदमी को कोई दिक्कत ना होने देने की बात कही। हमारे पास कल हड़ताल के बारे में नोटिफिकेशन आया था हमारे हायर अथॉरिटी अम्बाला से, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ प्रॉपर गाइडेंस सभी पोस्ट ऑफिसों के लिए निकाल दिए गए हैं। रही बात पब्लिक की परेशानी की, उसके लिए हमने कोशिश की है कि हर जगह हम अल्टरनेट अरेंजमेंट करें उसके लिए, ताकि पब्लिक को कोई शिकायत का मौका ना रहे, कोई असुविधा ना रहे। इंडिया एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।